अगर आपको लगता है कि आप अभी 20 साल के हो बट मैं आपकी स्किन कंडीशन अभी भी ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी स्किन कंडीशन ऐसी क्यों, ऐसा लग रहा है कि मैं 30 से 35 साल का हूँ। बहुत लोगों का मुझे लग रहा है प्रॉब्लम यही होगा। अभी आपकी जो भी एज है, मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, तो आप जो भी एज ग्रुप से वीडियो देख रहे हो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता देना। तो अगर आपकी एज 20 है, आपको लग रहा है कि अभी यार मेरी स्किन को तो बेस्ट होना चाहिए था क्योंकि मेरा एक ग्रोथ पीरियड है, अभी मेरा 20-25 तक मेरी स्किन तो कितनी अच्छी होनी चाहिए थी, बट ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो 50 साल का बुढ़ा हो गया हूँ, स्किन पे कोई ग्लो नहीं, कोई ब्राइटनेस नहीं, एक्ने पिंपल्स अलग हो रहे हैं, डार्क स्पॉट जाते ही नहीं है, एक्ने कभी जाते ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए आज मैं एक प्रोडक्ट बताने वाला हूँ। द प्रोडक्ट इज नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं खुद ये प्रोडक्ट काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपकी एज के हिसाब से आपके फेस पे जो ग्लो होना चाहिए वो अभी ग्लो नहीं है, एंड वो ग्लो कब आएगा मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, बट इस प्रोडक्ट जब से आप यूज करना स्टार्ट कर दोगे आपको पता चल जाएगा कि ये ग्लो कब वापस आएगा। तो चलो वीडियो को देखते हैं, देखते हैं वो प्रोडक्ट कौन सा है, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिन बकवास करे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जिस प्रोडक्ट में बात कर रहा था वो प्रोडक्ट है ये, ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा सिर्फ इसका मेन क्री इंग्रेडिएंट, वो है रेटिनॉल। व्हाट इज रेटिनॉल, रेटिनॉल क्या है? रेटिनॉल वो है जो आपकी स्किन कंडीशन को यहां से यहां लेके जाएगा। जैसे मैंने बोला, अगर आपको लग रहा है आपकी एज अभी तो यार 20-25 भी है, बट मेरी स्किन ये 50 साल वाली भी लग रही है, फेस पे कभी कोई ग्लो नहीं रहता, डार्कनेस हमेशा बनी रहती है, एक्ने पिंपल कभी जाते नहीं है, तो स्टार्ट यूजिंग रेटिनॉल। रेटिनॉल बेसिकली मेड अप ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए से रेटिनॉल बना है जो आपकी स्किन कंडीशन जैसे मैंने बोला यहाँ से यहाँ लेके जाएगा। रेटिनॉल यूज करने का तरीका भी बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, कोई भी ताम झाम नहीं है, बस ध्यान रखना कि इसको हमेशा नाइट में यूज करना, रेटिनॉल आप डे में यूज नहीं कर सकते। नॉर्मल सी बात है, हर प्रोडक्ट के अपने अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। साइड इफेक्ट सिर्फ यही कि आप इसे धूप में यूज मत करना, धूप में यूज करोगे तो हाँ यही हुआ कि आपकी इरिटेशन होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड बेसिकली रेटिनॉल धूप के लिए बना ही नहीं, रेटिनॉल आप सिर्फ रात में यूज करते हो। रात में कैसे यूज करना है, वीक में एक या फिर दो बार यूज करना है, उससे ज्यादा यूज नहीं करना है। आप जैसे मेरा जो रूटीन है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं सैटरडे को यूज करता हूँ, सैटरडे को अगर आप यूज कर रहे हो तो संडे की मॉर्निंग में आपको कहीं जाना वाना भी नहीं, तो आप धूप से भी बच सकते हो। तो सैटरडे की रात को आपको यूज करना है सिंपली फेस वॉश, जो भी आप यूज करते हो आपके स्किन टाइप का है, फेस वॉश यूज करो, अपने फेस को क्लीन करो, एंड सिंपली एक थोड़ा सा रेटिनॉल लेना है आपके फेस पे लगा लेना है। मैं अभी दिखा दे रहा हूँ कि आपको रेटिनॉल कैसे लगाना है, चलो फटाफट वो देख लेते कि रेटिनॉल लगाना कैसे है। सो मैंने अपने फेस को पहले से वॉश कर लिया था, आपको जो फेस वॉश कंफर्टेबल लगे आप उस फेस वॉश अपने फेस को वॉश कर लिया, उसके बाद देखते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल की क्वांटिटी आपको इतनी लेनी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेनी है क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है, अगर अगर इसकी बात करें इसको सही तरीके से यूज़ करने का, तो अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ करोगे तो रिजल्ट भी आपको अमेजिंग मिलेगा। तो इसको अप्लाई करने के बाद सिंपली छोड़ देना है ओवरनाइट के लिए, इसके बाद कुछ भी नहीं लगाना है, नहीं है मॉइस्चराइजर, नथिंग, कुछ भी नहीं, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखोगे कि आपके फेस पे अच्छा ग्लो आएगा, आपकी स्किन भी काफ़ी हद तक क्लियर लगेगी। सो स्टार्ट यूजिंग रेटिनॉल as soon as possible. सो गो फॉर इट, स्टार्ट यूजिंग रेटिनॉल। आप अपने फ्रेंड को भी वीडियो सजेस्ट करो, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट बॉक्स में जो भी अलग कोई क्वेरी होगी, आप कोई भी अलग प्रोडक्ट चाहते हो आपकी स्किन से रिलेटेड, आपको लग रहा है मेरी स्किन पे प्रॉब्लम है, भाई कोई प्रोडक्ट बता दो जिसको यूज करने से मेरी स्किन की कंडीशन अच्छी हो जाएगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी बता देना। बेसिकली मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मैं खुद भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता हूँ, बट रेटिनॉल एक ऐसी चीज है जो अगर आप स्टार्ट करना यूज कर दोगे तो मैं बोल रहा हूँ कि आपकी स्किन की कंडीशन धीरे धीरे करते करते बहुत अच्छी हो जाएगी। हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आपको इसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा स्टार्ट यूजिंग रेटिनॉल, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो भी कोई क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलो बाय, फटाफट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।